हिसाब से गोचर भूमि पर अतिक्रमण हुए हैं, अब बहुत कम गोचर भूमि बची है, तो उनको आप लोग कैसे बचाएंगे? गोचर भूमि जैसे पंचायत की जिम्मेदारी होती है, सारे के सारे राजस्थान में जितनी गोचर भूमि है वो पंचायत के अधीन है, और ये मेरे विभाग के अंतर्गत ही आती है, लेकिन निश्चित रूप से गोचर भूमि को बचाने की आवश्यकता है। गोचर है वो पशुपालकों के लिए और गायों के चराई के लिए, गोचर को पहले हमारे पूर्वजों ने छोड़ी हुई है आदिकाल से, गायों के संरक्षण के लिए, पशुओं के संरक्षण के लिए ग्रामवासी और प्रशासन की तरफ से गोचर को सुरक्षित रखा जाता था, आरक्षित भी रखा जाता था, और लंबे समय से ये सभी जगह हर पंचायत में हर शहर में जहाँ भी गोचर है वो भाइयों के लिए छोड़ रखे हैं, लेकिन गोचर के ऊपर कई लोग हैं जो वो कब्जे कर लेते हैं, तो ये गलत है। अभी जैसे कोर्ट का भी फैसला है कि गोचर ओरन आगोर इस तरह की जो जमीनें हैं उसके ऊपर कोई कब्जे न हो और वो आवंटित भी न हो, तो निश्चित रूप से गोचर को तो बचाने की जरूरत है, और ये ऐसे पंचायतों का मामला है, लेकिन सरकार के पास कोई मामला आएगा तो संबंधित विभाग देखेगा, और हम चाहते हैं कि गोचर बचे। 2014 से जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय गोकुल मिशन में तो देखो सब सहभागी, भाई गायों को बचाना यही हमारी प्राथमिकता है। आज गाय हमारी माता है और गाय में 33 कोटि देवता बसते हैं, गाय से हमें सब कुछ मिलता है, गाय से दूध मिलता है, दही मिलता है, घी मिलता है, गाय का गोबर भी हमारे लिए उपयोगी साबित होता है। आज कोई पवित्र काम करे तो वहाँ पवित्र आंगन को पवित्र करने के लिए गाय के गोबर का उपयोग होता है, और गाय का गोबर किसानों के भी उपयोगी और जैविक खाद बनाने के लिए गाय का गोबर उपयोग में आता है। गाय का गोमूत्र है वो भी गंगा जल के समान पवित्र माना है, गाय के गोमूत्र से गो अर्क बनता है, और गो अर्क से कई तरह की बीमारियां, चाहे वो डायबिटीज हो, बीपी हो, चर्म रोग हो, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां गो अर्क से ठीक होती है। गाय का चमड़ा भी काम आता है, गाय की हड्डियाँ भी काम आती है, सभी तरह के गाय के एक एक अवशेष हमारे लिए काम के हैं, तो गाय को गोमात्रा का दर्जा दिया हुआ, गौ माता का दर्जा दिया हुआ है, गाय के संरक्षण करना और गाय को बचाना हम सब की प्राथमिकता है, तो इसी दिशा में वो काम कर रहे हैं और हम सबको मिल करके गोवंश को बचाना होगा। आपके पास देवस्थान विभाग भी है, देखा गया कि कोविड के बाद लोगों में धार्मिकता ज़्यादा बढ़ी है और धार्मिक स्थलों पर लोग ज़्यादा जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो धर्मशालाएँ हैं वो बहुत कम हैं, जो हैं वो साफ सुथरी नहीं रहती, तो उनको कैसे आप मैनेज करेंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहें तो निश्चित रूप से देवस्थान जितने भी राजस्थान में क्या पूरे भारतवर्ष में जो देवस्थान बने हुए हैं वो चाहे वो सरकार के अधीन हो या जो अधीन नहीं हो उसमें सभी जगह जन सहयोग से ज़्यादा बनते हैं और जनता उससे जुड़ी हुई है, डायरेक्ट देवस्थानों से जुड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से जन सहयोग से ये देवस्थानों में सुधार होता है और जन सहयोग से करते हैं। लेकिन कई कई हमारे अंडर में जो भी देवस्थान मंदिर है उनमें हम पूरी फाइल देखेंगे, फाइल देख करके उसमें क्या संशोधन की ज़रूरत है, क्या सुधार की ज़रूरत है वो भी करेंगे, बाकी जगह भी जो जन सहयोग लेकर के, क्योंकि सारे मंदिरों की व्यवस्था जन सहयोग से होती है, ट्रस्ट करते हैं तो ट्रस्ट के माध्यम से जन सहयोग के माध्यम से ये उनकी व्यवस्था में सुधार करेंगे, धर्मशालाओं की जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ जन सहयोग से करवाएंगे। साथ ही साथ मैं पूरे प्रदेश की जनता को आपके माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा कि मंदिरों के बाहर जो साफ सफाई है उसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, भाई जो स्वयंसेवी लोग हैं, कोई संस्था के पदाधिकारी है वो भी उसमें सहयोग करें, आम जनता भी सहयोग करे, और ट्रस्ट के पदाधिकारियों से भी मेरा विशेष आग्रह है कि मंदिर के बाहर साफ सफाई रखें, मंदिर परिसर में भी रखें। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है और उन्होंने स्वच्छ भारत योजना चला रखी है और उसके तहत सुधार भी हुआ है,
अब लोगों में धीरे धीरे अवेयरनेस भी आई है, तो मंदिरों के जो है परिसर को साफ रखने की ज़रूरत है, जिससे वहाँ मंदिरों में ज़्यादा लोगों का आवागमन रहता है और मंदिर साफ सुथरे रहे तो उससे स्वच्छता में फर्क पड़ेगा और निश्चित रूप से जनता को उसकी सुविधा मिलेगी। आज आपने मंत्री पद ग्रहण कर लिया है, अब आगे जाके आपकी तरफ से राजस्थान की जनता को क्या सौगात मिलेगी? अभी मुझे जैसे मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा जी को, सीपी जोशी जी को, चंद्रशेखर जी भाई साहब को और प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यह जो मंत्रालय के जिम्मे दिए, 3-4 मंत्रालय दिए, सारी सेवा के मंत्रालय दिए और ये मंत्रालय सरकार की योजनाओं के साथ साथ में जनता के सहयोग से चलते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें जनता का सहयोग लेते हुए इन मंत्रालयों में हम एनालिसिस कराएंगे, इनके जो इनकी जो योजनाएं बनी हुई है उनको एक बार एनालिसिस कराएंगे, उसके बाद में उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है और क्या नवाचार की गुंजाइश है उसके ऊपर हम कार्य करेंगे और आने वाले समय में कुछ न कुछ नवाचार जरूर होगा। गोचर वाला मैंने आपको बताया कि गोचर वाला पंचायत की गोचर होती है, जितनी भी गोचर है वो शहरी क्षेत्र में नगर पालिका नगर परिषद के अधीन आती है और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत के अधीन आती है, उनका मालिक है पंचायत, तो उन उनके ऊपर जो अतिक्रमण हो रहे हैं वो अतिक्रमण नहीं हो ये जिम्मेदारी पंचायत को की होती है और पंचायत को इसमें पूरे गांव के साथ में मिलकर के ये अतिक्रमण हटाने की ज़रूरत होती है। जहाँ प्रशासन की ज़रूरत होगी तो निश्चित रूप से प्रशासन, वैसे भी नियम बने हुए हैं, प्रशासन पूरा जाब्ता उपलब्ध कराता है और ये निर्णय उन प्रशासन पंचायतों को थोड़ा स्ट्रिक्ट निर्णय, कड़क निर्णय लेने की ज़रूरत होती है। देखा जाता है कि बारिश के समय जो गोवंश होते हैं गौशालाओं में उनकी बड़ी दुर्दशा होती है, काफ़ी तादाद में मारे भी जाते हैं, जैसे थोड़ी कैसे गौशालाओं पे आप लोग आगे का कार्य करेंगे जिससे कि ये बारिश के समय में तो देखो अतिवृष्टि होगी, अतिवृष्टि होती है तो कई तरह के जनहानि भी होती है, अतिवृष्टि में पशुधन की भी हानि होती है, उसमें भी कई मुआवजा का प्रावधान बना हुआ है और अतिवृष्टि होती है तो उसमें जैसे कोई अतिवृष्टि कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सरकार की तरफ से बारिश से पहले जो प्रबंधन करने हैं वो निश्चित रूप से प्रबंधन करेंगे।